नमस्कार, मेरा नाम है सुनील सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने क्लास 12 फिजिक्स रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 8 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अभी तक हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। थोड़ा सा रिकैप कर लें, हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि अगर मेरे पास यहाँ पर कोई एक सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू है, तब इस सोर्स चार्ज के चारों ओर एक ऐसा रीजन होता है कि अगर मैं इस रीजन में किसी टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को रखता हूँ, तब ये सोर्स चार्ज इस क्यू नॉट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है, यानी एक्शन एट ए डिस्टेंस हो रहा है। देन दिस स्पेस अराउंड दिस सोर्स चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। और ऐसा अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने क्या डिस्कस नहीं किया है? हमने ये डिस्कस नहीं किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिखता कैसा है, क्या इसकी कोई ड्राइंग होती है, क्या इसकी कोई पिक्चर होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं या फिर किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आज के इस लेक्चर में हम इसी बारे में बात करेंगे। फैराडे एक साइंटिस्ट थे जिसने सबसे पहली बार इस इलेक्ट्रिक फील्ड की ड्राइंग बनाई, और जब ड्राइंग बनाई और अपनी ड्राइंग को एक नाम दिया, और वो नाम था क्या? लाइन ऑफ फोर्स। क्या नाम था? लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स। और इन्हीं का जो नया नाम है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। तो क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? अगर मैं सिंपल तरीके से आपको समझाना चाहूं कि व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर जस्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फटाफट से क्या करो, हैंड डालो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और उसके डेफिनेशन लिख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं इसे मिटा रहा हूं और हैंड डालो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, और नीचे लिख के चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक। ओके, नाउ सबसे पहली बार किसने बात की थी? बात की थी फैराडे नाम के एक साइंटिस्ट थे, और उन्होंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने बोला, क्या बोला था? लाइन ऑफ फोर्स बोला था, और जिसका नया नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? ये सिंपल डेफिनेशन होगी इसकी। नाउ अब ड्रॉ कैसे करेंगे? तो ड्रॉ करना, ड्राइंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे हैंड डालो क्या, ड्राइंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में। एक सिंपलेस्ट सिस्टम लेते हैं, सिस्टम ऑफ ए आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। सबसे पहले हम बात करें किसके लिए, फॉर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? यानी सिंगल चार्ज, यानी उसके आसपास और कोई चार्ज नहीं है, वो बाहरी दुनिया से क्या है, अलग है वो चार्ज, उस पर किसी दूसरी चीज का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है या दूसरे चार्ज का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो इस टाइप के चार्ज को हम क्या बोल देते हैं? आइसोलेटेड चार्ज बोल देते हैं। और आइसोलेटेड कैसा चार्ज है मेरे पास? पॉजिटिव चार्ज है। मान लिया ये एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है Q, और कैसा है ये? पॉजिटिव है। अगर मैं यहाँ से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, माना इस P पॉइंट पर, हमने कल ही डिस्कस किया है, ड्यू टू दिस आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज और आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और वी कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 1/4πε0 q/r² के बराबर होता है। ये हमने कल डिस्कस किया हुआ है। अब इस फॉर्मूले से हमने कल भी डिस्कस किया था कि ये पता चल रहा है कि दिस ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, यानी इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जैसे जैसे मैं इस चार्ज से दूर जाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। ये बात सिंपल समझ में आ रही है आपको? अगर ये बात समझ में आ रही है तो हमने कल एक और चीज डिस्कस की थी, और वो ये चीज थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है ये? वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किससे होता है? एक एरो से होता है। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इस एरो से दिखा सकता हूँ। इस एरो को, इस पार्ट को क्या बोलता हूँ मैं? हेड बोलता हूँ। इसे मैं क्या बोलता हूँ? टेल बोलता हूँ। और ये जो लेंथ है एरो की, ये किसको दिखा रही है? मैग्नीट्यूड ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाएगी। अगर ये वेक्टर पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहा है तो ये जो लेंथ है यहां से लेकर यहां तक ये किसको दिखाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसको दिखाएगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाएगा। और जो ये हेड है ये किसको दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ ई को दिखाएगा। किसको दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई को दिखाएगा। क्लियर है इतनी बात, ओके। यानी यहां से क्या पता चल रहा है, देखो ये कह रहा है आर के साथ, यानी जैसे जैसे आर बढ़ेगा ई का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। और ये क्या है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अगर मैं ये बोलूं कि ये मेरे पास क्या है, एक ये वाला चार्ज मैंने उठाकर यहां रख दिया, ठीक है, माना यहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं इस पॉइंट पर, तो कुछ ना कुछ ऐसे इससे रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं इस ग्राफिकल मेथड से। तो यहां क्या बनाऊंगा, इस तरह से एरो बनाऊंगा। इस पॉइंट पर जो एरो की डायरेक्शन है वो किसको दिखा रही है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रही है। और ये जो लेंथ है यहां से यहां तक एरो की, ये किसको दिखा रही है, इस पॉइंट पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को दिखा रही है। अब अगर मैं इस पॉइंट पर जाता हूं, बताओ यहां पर जो एरो की डायरेक्शन होगी वो सेम होगी, वो तो ऐसे ही होगी, लेकिन जो एरो की लेंथ होगी वो बढ़ेगी या घटेगी, बताओ जरा। एरो की लेंथ घट जाएगी, क्यों, इससे डिस्टेंस बढ़ेगी। ये बता रहा है क्या, डिस्टेंस बढ़ने पर ई का मैग्नीट्यूड कम हो जाता है। अगर मैग्नीट्यूड कम हो जाता है तो एरो की लेंथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां पर एरो कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगी, वही रहेगी, देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन। थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ूंगा, अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या दिखा रहा है, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं एरो की डायरेक्शन में चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन एरो की लेंथ में चेंज आ रहा है, लेंथ घटती जा रही है, जो किसको दिखा रहा है कि आर के साथ ई का मैग्नीट्यूड कम होते जा रहा है। ये बात समझ में आई, ओके। नाउ अब इसी चीज को अगर मैं थोड़ा सा और बेहतर तरीके से आपको समझाऊं, तो मान लिया ये मेरे पास क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि कैसा है, आइसोलेटेड है। अगर मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, रिप्रेजेंट करूंगा ग्राफिकली, तो कैसे दिखाऊंगा, ऐसे। थोड़ा सा आगे जाकर दिखाऊंगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर इस पॉइंट पर जो पॉइंट बना रहा हूं, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखाऊंगा, ऐसे एरो से, लेकिन एरो की लेंथ क्या हो जाएगी, थोड़ा सा इसके कंपेयर में कम हो जाएगी। और फिर यहां पर दिखाऊंगा, थोड़ा सा एरो की लेंथ क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी। उस तरीके से अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं, अब देखो कल हमने डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ड्यू टू ए सिंगल चार्ज या सिंगल पॉइंट चार्ज, वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है। तो यहां पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके इस साइड भी उतनी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होगा। तो सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है, आर पर डिपेंड कर रहा है। अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना चाहूंगा तो कैसे होगा, ऐसे इधर की ओर, ठीक है। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं तो कहां की ओर होगा, इधर की ओर होगा, लेकिन होगा कैसा, थोड़ा सा मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। यहां पर कितना होगा, उतना ही, ऐसे बाहर की ओर। सिमिलरली अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं, बनाना चाहूं, तो कैसे हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। एरो की लेंथ सेम रहेगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक। फिर यहां पर दिखाना चाहूंगा तो इसके ठीक यहां पर, ओके, तो दिस विल बी लाइक दिस। फिर यहां दिखाना चाहूंगा तो मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, डायरेक्शन वही रहेगी, ठीक है। सिमिलरली यहां पर वही हो जाएगा, ऐसे बाहर की ओर, इतना। थोड़ा सा आगे जाऊंगा तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। यहां जाऊंगा तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा, ठीक है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, जो कल भी हमने डिस्कस किया था, कि मुझे ये कैसे पता चला कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे होगी, मैं एरो को ऐसे क्यों नहीं लगा रहा हूं। हमने कल डिस्कस किया था, ये मैं उसको यहां पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं। कल हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता है, क्योंकि हमने कल डिस्कस किया है E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू होता है क्या, F अपॉन क्यू नॉट होता है किसी एक पॉइंट पर, ठीक है। और ये क्यू नॉट हमेशा पॉजिटिव होता है। इस पॉइंट पर मैं क्या रखूंगा, क्यू नॉट चार्ज रखूंगा, इसमें फोर्स कहां की ओर लगेगा, इधर की ओर। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में है तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा। क्लियर है इतनी बात, तो ये हमने कल डिस्कस कर रखा, तभी मैंने अभी यहां पर सीधे एरो बना दिया, ओके। सिमिलरली अगर मैं यहां बनाना चाहूंगा तो अगेन क्या होगा, ऐसे मेरे पास पहला एरो आएगा, फिर थोड़ा सा मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, फिर थोड़ा सा और मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। तो अगर मैं यहां आऊंगा ये होगा, फिर थोड़ा सा आगे वाले पॉइंट पर मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, आगे वाले पॉइंट पर थोड़ा सा और मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहां देखना चाहूंगा तो ये एरो आएगा, आगे वाले पॉइंट पर
मैग्नीट्यूड कम उससे आगे वाले पॉइंट पर और मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ देखो, ये मेरे पास इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, आगे बढ़ूंगा मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, डायरेक्शन वही रहेगी, आगे बढ़ूंगा मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, डायरेक्शन वही रहेगी। तो इस तरह से मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को एक उसके वेक्टर की हेल्प से रिप्रेजेंट किया। अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में नहीं पहुंचा, अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं आ रखा है, मैंने जस्ट यहां पर वेक्टर की हेल्प से उस इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने की कोशिश कर रखी है। फिर फैराडे ने क्या किया, इन सारे एरो को एक सिंगल लाइन से मिला दिया। क्या किया, सारे एरो को एक सिंगल लाइन से मिला दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, ये जो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है जो कि आइसोलेटेड है, इन सारे एरो को, जितने भी एरो हैं, उन सबको एक सिंगल लाइन से इस तरह से मिला दिया। ऐसे मिलाया, फिर ऐसे इसको मिला दिया यूं करके, सिमिलरली इस वाले को मिला दिया, सबको एक सिंगल लाइन से मिला दिया, तो ऐसी लाइन मिलेगी मेरे को। सिमिलरली नीचे वाले को भी सबको एक सिंगल लाइन से मिला दिया, सिमिलरली यहाँ भी इन सबको एक सिंगल लाइन से मिला दिया, इन सबको एक सिंगल लाइन से मिला दिया, इन सबको एक सिंगल लाइन से मिला दिया, इन सबको एक सिंगल लाइन से मिला दिया। ठीक है, यानी अगर मैं सबको ऐसे मिलाऊंगा, ऐसे 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 ऐसे, तो ये डायग्राम बनेगा मेरे पास। अब ये जो डायग्राम बन के आ रखा है, यहां पर जो हर लाइन दिख रही है, वो ईच लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। एंड दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमर्जिंग आउट फ्रॉम ए आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। तो आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ क्यों आती हैं, बाहर क्यों आती हैं, और इन्हीं लाइंस को मैं क्या बोलता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलता हूँ, जिसको सबसे पहली बार किसने ड्रॉ किया था, फैराडे ने ड्रॉ किया था, और नाम क्या दिया था, लाइन ऑफ फोर्स नाम दिया था। ये बात समझ में आ रही है आपको? नाउ अब आपको यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ सकती है कि जब मैं यहाँ पर मैंने इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाया था, तो मुझे पता चल रहा था कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, यहाँ कम है, और यहाँ और कम है, क्योंकि यहाँ वेक्टर की लेंथ क्या थी, ज़्यादा थी, यहाँ वेक्टर की लेंथ कम होगी, यहाँ वेक्टर की लेंथ और कम होगी, जो किसको दिखा रहा है कि जैसे जैसे मैं पॉजिटिव चार्ज से दूर जा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, और जो एरो है उसको दिखा रहा है, उसकी डायरेक्शन को दिखा रहा है। लेकिन जैसे मैंने सारों एरो को मिला दिया, तो सारे एरो को मिलाते ही यहाँ पर क्या हुआ, जो मैग्नीट्यूड वाली इंफॉर्मेशन है वो तो गायब होगी। यानी अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बाहर की ओर जाने में कम हो रहा है, वो क्या दिखा रहा है? आपको ऐसा फील हो सकता है कि यहां पर जैसे मैं बाहर की ओर जा रहा हूं, कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, जैसे मैं इस रिप्रेजेंटेशन को देखता हूं, यहां तो साफ समझ में आ रहा है, लेकिन यहां समझ नहीं आ रहा है। तो फैराडे ने क्या किया, उन्होंने ये बोला कि वो इंफॉर्मेशन यहां पर है कि मैग्नीट्यूड जैसे बाहर की ओर जाने पर कम हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, बस हमें देखना बाकी है। क्या देखना बाकी है, जरा गौर से देखो, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को देखो, जैसे जैसे मैं बाहर की ओर जा रहा हूं, ये एक दूसरे से दूर होती जा रही है, ऐसा हो रहा है यहां पर। देखो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर आ रही है, ये सारी एक दूसरे से दूर होती जा रही है। अगर ये दूर होती जा रही ना, तो इनकी क्या है, जो क्लोजनेस है वो कम हो रही है। और फैराडे ने यह बोला कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्लोजनेस। यानी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत क्लोज होंगी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज नहीं होंगी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। तो साफ पता चल रहा है कि इस चार्ज के आसपास या फिर इसके करीब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, वो एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, है या नहीं क्लोज, देखो सभी कहें दूसरे के क्लोज हैं। और जैसे मैं बाहर की ओर जा रहा हूं, दूर जा रहा हूं इससे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जा रही हैं, एक दूसरे से दूर चले जा रही हैं। यानी क्लोजनेस क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। अगर क्लोजनेस कम हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस इंफॉर्मेशन को यहां पर इस तरह से सामने रखा गया कि जहां पर क्लोजनेस ज्यादा होगी, वहां पर इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। तो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो यहां से मिलती है हमको, दैट इज क्लोजनेस ऑफ लाइंस या फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अभी ऐसे लिख लो, अभी हम लास्ट में क्या करेंगे, सारे पॉइंट को समराइज करेंगे, अब उसकी चिंता मत करना, लिखाऊंगा मैं हर पॉइंट। ओके, समझ में आई बात? लेकिन फिलहाल करें यहां पर समझ लो कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी क्लोज होंगी, इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। इसका मतलब इस चार्ज के करीब इंटेंसिटी ज्यादा है, जैसे दूर जाऊंगा इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर? ओके।
अब यहां पर कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मैं इस चार्ज से बाहर निकलते हुए कितनी फील्ड लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, कोई बता सकता है इसका आंसर? मैंने यहां पर कितनी फील्ड लाइन ड्रॉ की है फिलहाल? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फील्ड लाइन ड्रॉ की है। क्या मैं 8 ही कर सकता हूं या 10 कर सकता हूं, 20 करता हूं, बताओ कितनी फील्ड लाइन में यहां पर ड्रॉ कर सकता हूं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और आंसर है मैं यहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ फील्ड लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। मैंने यहां पर इतनी करी क्योंकि इतना ही मन क्या करने का, मैं यहां पर दो और कर दूंगा, क्या फर्क पड़ जाएगा? मैं एक ऐसे ड्रॉ कर दूंगा, एक ऐसे ड्रॉ कर दूंगा, एक ऐसे और ड्रॉ कर दो, एक ऐसे और ड्रॉ कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ फील्ड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दो, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है, चीज क्या जरा समझेंगे हम। देखो ये तो कब हुआ, जब चार्ज क्या है मेरा आइसोलेटेड है, मैं इस चार्ज को किसी दूसरे चार्ज से कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन जैसे मैं कंपेरिजन करूंगा ना तब यहां पर सिचुएशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगी। मान लिया मेरे पास एक 10 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज है, 10 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज है, और मुझे इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से ड्रॉ होंगी जो कि इससे बाहर की ओर जाएंगी, यूं करके, यानी कमिंग आउट फ्रॉम दिस पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से बाहर की ओर आई। ओके, और माना कितनी फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे आप मन बना लो भाई, कोई भी नंबर सोच लो, एक 0 से लेकर इनफिनिट तक, यानी 1 से लेकर इनफिनिट तक कोई भी नंबर सोच लो, उस नंबर की फील्ड लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने कितनी ड्रॉ कर दी, गिनूं मैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 फील्ड लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी। मैंने ये बोला कि मेरे पास एक 10 कूलाम चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और उससे 10 फील्ड लाइन बाहर की ओर निकल रही है। 10 कूलाम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज होता है, ध्यान देना। ओके, नाउ अब क्वेश्चन ये आया आपके सामने कि बताओ भाई अगर मेरे पास 5 कूलाम चार्ज है तो इससे मैं मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइन ड्रॉ करूंगा। अब ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। अगर मैं इससे 10 बोल रहा हूं तो इससे कितनी होंगे, चार्ज हाफ हो गया है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन भी क्या हो जाएंगी, हाफ हो जाएंगी। अब यहां पर आप वो स्टेटमेंट नहीं बोल सकते कि इनफाइनाइट। अगर मैं बोलता इससे 10,000 फील्ड लाइन बाहर निकल रही है 10 कूलाम के चार्ज से, तो इससे कितनी निकलती, 5,000। अगर मैं ये बोलता मैं यहां से 2,000 फील्ड लाइन मैंने बाहर निकाल दी पहले ही, तो इससे कितनी निकलती बताओ, यहां 2,000 तो यहां कितनी हो जाएंगी, 1,000। तो इस केस में, इस केस के लिए यहां से कितनी फील्ड लाइन बाहर निकलेंगी, 5 होगी ना, 5। ओके, तो अगर मैं खाली इसके लिए बोलूं, माना मैं पहली बार ड्रॉ कर रहा हूं तो कितनी लाइनें ड्रॉ कर सकता हूं, तो आंसर है इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन में ड्रॉ कर सकता हूं। लेकिन मैं जैसे रिलेट करूंगा या उसमें प्रोपोर्शनलिटी देखूंगा तो जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन हो किसके प्रोपोर्शनल होंगी, अमाउंट ऑफ चार्ज के, या उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के प्रोपोर्शनल होंगी, यानी जिसका चार्ज जितना ज्यादा होगा उससे फील्ड लाइन उतनी ज्यादा बाहर निकलेंगी। जैसे यहां पर 10 कूलाम चार्ज था, 10 फील्ड लाइन, मैं 20 भी कर सकता था, मैं 1,000 भी कर सकता था, मैं 1,00,000 भी कर सकता था, ठीक है, वो मेरी मर्जी है। लेकिन जब मैं यहाँ आया, इसको मैंने इससे रिलेट किया, यहाँ प्लस 5 कूलाम चार्ज है तो कितनी फील्ड लाइन बाहर निकलेंगी इसके कंपेयर में, ठीक उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन, तो यहाँ से क्या पता चला, नंबर ऑफ फील्ड लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज के मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन क्वेश्चन यह आए कि आपकी मर्जी है भाई, ये 10 कूलाम चार्ज है, आप पहली बार इसके लिए फील्ड लाइन ड्रॉ कर रहे हो, कितनी ड्रॉ करोगे, 10 मत बोलना, 20 मत बोलना, कितना बोलोगे, इनफाइनाइट, मेरी मर्जी, मैं कितना ही कर सकता हूं। ओके, लेकिन जैसे आप इस तरह से रिलेट करोगे तब नंबर क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ध्यान रखना, आगे बढ़े। ओके, ये तो किसके लिए हुआ, एक पॉजिटिव चार्ज के लिए हुआ, यहाँ पे आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के लिए हुआ। अब बात किसे करते हैं, एक आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो इन डालो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, दूसरा क्या हो जाएगा, फॉर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, फॉर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज।
अगेन पूरी प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे ताकि आपका क्या हो जाए, एक तरह से रिविजन भी हो जाए। माना यहां मेरे पास क्या है, एक कुछ नेगेटिव चार्ज है इस तरह से, ठीक है, और मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहा हूं। देखो ये चार्ज है तो ऑब्वियसली बात है एक पॉइंट चार्ज है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो भी क्या होगा, किसी एक पॉइंट पर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक। यानी इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो भी डिस्टेंस के साथ क्या हो रहेगा, डिक्रीज होगा, और कैसे डिपेंड करेगा, ई जो होगा वो आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी जैसे मैं दूर जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। अब आपको ये बताना है कि अगर मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना चाहता हूं तो कहां की ओर होगी। मैंने कल ही डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, जिस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं वहां पर, मतलब जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको देखना है वहां पर क्या रखेंगे, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे। अब इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज में जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की हो जाएगी। ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्या करेगा इसको, ये अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा इसका मतलब क्या हुआ, तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस वे, तो ये क्या हो जाएगी डायरेक्शन, जो वेक्टर की जो लेंथ है उसको दिखा रहा है, मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है, और जो एरो है उसको दिखा रहा है, डायरेक्शन को दिखा रहा है। तो थोड़ा सा बाहर जाऊंगा, माना मैं यहां पर चला गया तो ऑब्वियसली बात है डायरेक्शन सेम रहेगी लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर मैं यहां गया तो अगेन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन वही रहेगी, मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। ऐसे आप यहां ड्रॉ कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा एरो हो जाएगा, और ये फिर एरो डिक्रीज हो जाएगा। अब फटाफट ड्रॉ कर लोगे ना, ऐसे सिमिलरली यहां हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा एरो, ये ऐसे, और फिर यहां थोड़ा सा मैग्नीट्यूड और कम हो जाएगा, क्लियर। सिमिलरली यहां ले लो, यहां से ऐसे आएगा एक एरो, फिर यहां पर थोड़ा सा और मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। अगर मैं यहां देखूंगा तो यहां मैग्नीट्यूड थोड़ा और कम हो जाएगा। अब मैं और ड्रॉ नहीं कर रहा, इन सबको क्या कर दूंगा, इन सारे एरो को एक लाइन से मिला दूंगा, और उसी लाइन को मैं क्या बोल दूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल दूंगा। तो यहां पर मेरे पास क्या है, ये नेगेटिव चार्ज, और यहां से ये एरो आया, और इन सबको, इन सारे एरो को एक लाइन से मिला दिया मैंने, और ऐसे एरो बना दिया, और एरो किसको दिखा रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहा है, और फिर यहां पर इस तरह से बनाया, फिर यहां पर इस तरह से बनाया, इन सबको ऐसे मिला दिया, ओके। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था मैं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या कर सकता हूँ, फील एंड ड्रॉ कर सकता हूँ, तो यहाँ पर दो तीन और कर दो, ठीक। यहाँ से ऐसे आया, यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ से ऐसे आएगा, और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज पता चल रही है कि जब मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर निकलती है। जैसे मैं नेगेटिव चार्ज की बात करता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज की ओर आती है, यानी कहां के वो डायरेक्टेड होती है, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज एंड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां से हमको पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज में जाएंगी, यानी मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज एंड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगेन वो सेम चीज कि यहां पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी क्लोज होंगी या उनकी जो क्लोजनेस होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगी, यानी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है जितनी ज्यादा क्लोज होंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी। तो ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बात समझ में आई आपको। नाउ अब मैं यहां पर एक और लाइन लिखाने जा रहा हूं, इस लाइन को समझेंगे, फिर वो लाइन मैंने मतलब उसको पहले लिखेंगे और फिर वो लाइन मैंने क्यों लिखाई उसको हम समझेंगे। लाइन क्या है, सुनो, लाइन ये है कि टेंजेंट टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस represent direction of electric field at that point। अगर मेरे पास कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के मैं किसी एक पॉइंट पर अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं और जिस डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो वो टेंजेंट किसको दिखाता है, उस पॉइंट पर
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाता है। ऐसा मैं क्यों कह पा रहा हूँ, जरा समझो। इन्हीं में से एग्जाम्पल लेते हैं, ये नेगेटिव चार्ज वाला, ये नेगेटिव चार्ज है, इसी को मैं यहाँ बना रहा हूँ। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, यूँ करके। नाउ अब टेंजेंट क्या होता है, एक सिंपल लाइन होती है जो किसी एक कर्व को सिर्फ एक बार टच करती है, यानी यही वो टेंजेंट होता है। माना ये एक कर्व है, ये कर्व है, और अगर मैं यहाँ पर टेंजेंट खींचता हूँ तो ये टेंजेंट हो जाएगा इस तरह से, दिस इज टेंजेंट, यानी ये इसको क्या कर रहा है, सिर्फ एक बार टच कर रहा है। अगर ये जो कर्व है मेरा, ये खुद ही स्ट्रेट लाइन हो तो इसको एक बार टच करने का क्या मतलब हुआ, ये इसी के ऊपर ऐसे क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। तो इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन जो मेरे पास टेंजेंट होगा वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, लेकिन अगर ये कर्व होगा इस तरह से तो इसको क्या करेगा, सिर्फ एक बार टच करेगा। अभी थोड़ी देर के बाद और अच्छी फीलिंग आएगी इसकी, लेकिन फिलहाल समझो, मान लिया इस पॉइंट पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया तो क्या करेगा वो, इसी लाइन को इस तरह से ओवरलैप कर देगा इस तरह से, और टेंजेंट ड्रॉ कर दिया मैंने। अब ये टेंजेंट किस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में है, यानी वो क्या दिखा रहा है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखा रहा है। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। अब इसको ध्यान में रखो, अभी बेहतर अंडरस्टैंडिंग इसकी जो नेक्स्ट बस एक मिनट के बाद एक टॉपिक आने वाला है उसमें क्या आएगा, बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो कैसे आएगा, वो इस स्ट्रेट लाइन को ओवरलैप कर देगा, और ये जो डायरेक्शन है टेंजेंट की वो किस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। अगर मैं ये बोलूं, ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और यहां से फील्ड लाइन ऐसे बाहर जाएंगी यूं करके, और अगर मैं इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो कैसे ड्रॉ करूंगा, ऐसे ड्रॉ करूंगा, और टेंजेंट जिस डायरेक्शन में ड्रॉ हो रखा है वो किसकी डायरेक्शन है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ये बात समझ में आ रही है आपको। नाउ अब देखो, अब ऐसे हैंड डालो, क्या ये दूसरी हेडिंग होगी थी, अब तीसरी हेडिंग डालो। तीसरी हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक मैंने सिर्फ एक एक चार्ज लिया था, अब मैं यहां पर दो चार्ज ले रहा हूं जो कि सेम नेचर के हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, थर्ड लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ टू पॉजिटिव चार्ज और पॉइंट चार्ज होंगे, ध्यान देना, दो पॉजिटिव चार्ज हैं, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसी होंगी जरा समझेंगे। मान लिया मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज ये है और एक पॉजिटिव चार्ज ये है, ओके। अगर ये दोनों आइसोलेटेड होते तब इनकी फील्ड लाइन कैसी होती, ऐसी होती, यहाँ से ऐसे जाता, फिर ये ऐसे जाता। अभी आप बनाओगे नहीं, ठीक है, जस्ट समझोगे, यहाँ से ये ऐसे जाता, होता नहीं होता ऐसा। सिमिलरली अगर मैं इसकी फील्ड लाइन ड्रॉ करता, अगर ये भी आइसोलेटेड होता तो क्या होता, देखो, यहाँ से ये ऐसे आता, फिर यहाँ से ये ऐसे, ऐसे इसकी फील्ड लाइन क्या होती, ड्रॉ होती। क्या ये फील्ड लाइन मैंने इन दोनों चार्जों के कॉम्बिनेशन के लिए भी सही है या नहीं है, इसका डिसीजन लेने के लिए मुझे यहाँ पर एक पॉइंट को देखना पड़ेगा। किस पॉइंट को, जरा देखो, इस पॉइंट को देखो और इस स्टेटमेंट को लगाने की कोशिश करो कि किसी एक पॉइंट पर जब मैं टेंजेंट खींचता हूँ तब वो टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाता है। मैं इस पॉइंट पर आ रहा हूँ, देखो, इस पॉइंट पर एक फील्ड लाइन ये है और एक फील्ड लाइन ये है या नहीं है, आंसर है हाँ जी है। अब इस फील्ड लाइन, अगर मैं इस फील्ड लाइन की बात करूँ जो ऐसे जा रही है, तो यहाँ पर टेंजेंट खींचूंगा तो कैसे आएगा, ऐसे आएगा। अगर मैं इस फील्ड लाइन में टेंजेंट खींचूंगा तो कैसे आएगा, ऐसे आएगा। इस फील्ड लाइन में टेंजेंट ऐसे, इस फील्ड लाइन में टेंजेंट ऐसे, और टेंजेंट किसको दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाता है, यानी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन है। क्या ये पॉसिबल है, इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी किसी एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दो डायरेक्शन में है, ऐसा कहां पॉसिबल है यार, वो एक ही डायरेक्शन में तो होगा, तो दिस इज इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। अगर ये नहीं हो सकता तो जो मैंने यहां पर बनाया है वो गलत बनाया है, यानी ये ऐसे कट कर ही नहीं सकते दूसरे को फील्ड लाइन। तो यहीं से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कभी भी वो क्रॉस करेंगे ही नहीं, अगर वो करती हैं तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी गेट
टू टेंजेंट एट अ सिंगल पॉइंट, इफ यू गेट टू टेंजेंट एट अ सिंगल पॉइंट इट मीन वी हैव टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट विच इज इम्पॉसिबल, जो हो ही नहीं सकता। अगर हो ही नहीं सकता तो ये भी नहीं हो सकता, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, यानी ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब ये ऐसे जाएगा और इसको फिर ये कट करेगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब ऐसा पॉसिबल है तो क्या होगा फिर? तो होता क्या ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से मुड़ जाती है। कैसे? ये जो ऐसे जा रहे थे ना, यूं करके ऐसे जा रही थी, ये क्या हो जाएगी? ऐसे मुड़ जाएगी। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही थी इधर को, ये क्या हो जाएगी? इस तरह से मुड़ जाएगी। सेम इसके साथ भी वही होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे सीधे आ रही थी, तो ये क्या हो जाएगी? इस तरह से बैंड हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सीधी जा रही थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो जाएगी? इस तरह से बैंड हो जाएगी। और ये भी थोड़ा सा इस तरह से बैंड हुई हुई मुझे दिखेगी। नाउ दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू पॉजिटिव चार्जेस। अगर दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के समीप रखे हैं, तब उनका इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा। हमने एक चीज पढ़ी थी कि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। अब इस डायग्राम को जरा देखो, आपको इस डायग्राम को देखकर फील आ रही होगी कि ये दो चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, कर रहे नहीं कर रहे? देखो ऐसा फील आ रहा है कि ये इधर क्यों आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ये एक दूसरे को ऐसे रिपेल कर रहे हैं। साउथ की मूवी में होता है ना, जैसे उसका मुक्का आता है हीरो का मुंह के सामने, तो विलेन के बड़े बड़े बाल ऐसे पीछे की ओर जाते ही करके ऐसे करके, तो सेम यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है। ये इधर की ओर आ रहा है, इधर की ओर आ जाए, मतलब एक दूसरे के समीप रखे हुए हैं, तो इनके जो फील्ड लाइन है वो ऐसे क्या हो गई है, पीछे की ओर चली गई है। यानी ऐसा फील आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा रिपल्सन यहाँ पर? हो रहा है जी, ठीक है। तो दिस इज रिपल्सिव, दिस डायग्राम इज शोइंग रिपल्सिव नेचर ऑफ टू सेम चार्जेस। अगर दो सेम चार्ज हैं तो उनका यहाँ पर रिपल्सिव नेचर इन फील्ड लाइन के थ्रू हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। किधर इतनी बात? और अगर मेरे पास दो सेम चार्ज हों या दो पॉजिटिव चार्ज हों, तो उनका फील्ड लाइन का रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो जाएगा। क्लियर? अब अगर दो नेगेटिव चार्जेस हों, ठीक है, इसी में दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इफ वी हैव टू नेगेटिव चार्जेस प्लेस्ड नियर टू, उससे पहले एक और चीज समझो। देखो मैंने बोला था ना टेंजेंट, देखो इस पॉइंट पर देखो, अगर मैं इस पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो ऐसे आएगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस वे, ठीक है। अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। टेंजेंट देखो, यहाँ पर टेंजेंट साफ दिख रहा है आपको, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? आंसर आज दिख रहा है। अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूंगा तो टेंजेंट कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसे हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी। क्लियर? तो तभी मैंने ये बोला कि टेंजेंट एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अभी सिर्फ इसको दिमाग में रखो, लास्ट हम सबको क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। क्लियर ना? अब मेरे पास क्या है, दो नेगेटिव चार्ज हैं, एक नेगेटिव चार्ज ये है, एक नेगेटिव चार्ज ये है, दोनों सेम चार्ज हैं, और अगेन सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। तो नेचर तो कैसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का? ऐसा ही होगा। जस्ट चेंज क्या आएगा कि यहां पर डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। यहां बाहर क्यों जा रहे थे, तो यहां कैसे आ जाएगा? अंदर की ओर, ऐसे अंदर की, ऐसे आएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। और यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर सेम यहां भी ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे। सिंपल क्या होगी, डायरेक्शन हमारी चेंज हो जाएगी। अगेन आप देख सकते हो ये फील्ड लाइन हमको शो कर रही है कि टू नेगेटिव चार्ज व्हेन दे कम क्लोज टू इच अदर दे विल रिपेल इच अदर, ठीक है। और रिपल्सिव नेचर मुझे यहाँ पर साफ साफ देखने को मिल रहा है। क्लियर बात? ओके, अगर बात क्लियर होगी थोड़ा सा। अगेन यहाँ पर भी अगर मैं यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो टेंजेंट कैसे ड्रॉ होगा? ऐसे। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो डायरेक्शन कैसे आ जाएगी? ऐसे। यहाँ ड्रॉ करूंगा तो डायरेक्शन विल बी इन दिस वे, यहाँ ड्रॉ करूंगा तो डायरेक्शन विल बी इन दिस वे, ठीक है। क्लियर? ओके, अगर इतनी बात क्लियर हो गई, अब बढ़ते हैं कहाँ की ओर। अभी तक दोनों सेम चार्ज थे, अब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्लेस्ड क्लोज टू इच अदर। चौथा, फोर्थ लिखो, अगर मेरे पास क्या हो, ऑफ वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो ये मेरे पास क्या है, पॉजिटिव
और ये क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। अब इनके लिए मुझे फील्ड लाइन क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। अगर ये दोनों अकेले होते तो होता क्या, देखो यहाँ से फील्ड लाइन ऐसे ऐसे बाहर निकलती, अब यहाँ मत बनाना ठीक है, ऐसे फील्ड लाइन बाहर निकलती यहाँ से, अगर ये क्या होते दोनों अकेले होते, ये ऐसे अकेला होता, ऐसे फील्ड लाइन यूं करके बाहर निकल रहे होते और यहाँ क्या हो रही होती, इस तरह से फील्ड लाइन आ रही होती, ऐसा होता आंसर, हाँ जी होता, ऐसा ही होता, ठीक है, ऐसे फील्ड लाइन ये आ रही होती। लेकिन ये तो पॉसिबल है ही नहीं भाई, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बिकॉज अभी हमने डिस्कस किया था कि टू फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी वो इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। तो होता क्या है, एक दूसरे को कट नहीं करती है, तो होता क्या है, ऐसा कुछ होता है, देखो एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, बट यहां से निकलेगी यूं करके और यहां टर्मिनेट हो जाएगी, यहां से निकलेगी यूं करके यहां टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। यहां से एक और निकाल दे फिर, वो तो हमारी मर्जी, हम कितने भी निकाल सकते हैं, यहां से ऐसे निकली और ऐसे क्या होगी, ये टर्मिनेट होगी, यहां से ऐसे निकली और यहां क्या होगी, यूं करके टर्मिनेट होगी, ठीक है। तो इस तरह का केस हमें यहां पर देखने को मिलता है, क्लियर बात, ओके लाइक दिस, ठीक। और यहां पर भी क्या होगा, ऐसे, तो दिस इज फील्ड लाइन ऑफ व्हेन टू चार्जेस, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। तो इस टाइप का हमको कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखने को मिलती है। अगेन आप यहां पर देख सकते हो, जब हम चार्ज के बहुत पास हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, तो यहां पर इंटेंसिटी ज्यादा होगी, यहां इंटेंसिटी कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, एक दूसरे बहुत दूर है, अगेन यहां पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगेन अगर मैं इस पॉइंट पर डायरेक्शन की बात करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो क्या खींच दूंगा यहां पर, टेंजेंट, तो दिस टेंजेंट इज रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। और यहां पर भी देखो, ये किसको दिखा रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, यहां पर किसको दिखा रहा है, ये अगेन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ टू, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव चार्ज। और इस सिस्टम को कभी कभी, मतलब कभी कभी क्या, हम पढ़ेंगे आगे, डायपोल बोल देते हैं। तो दिस सिस्टम हैज अनदर नेम डायपोल, ठीक है, हम पढ़ेंगे आगे डायपोल क्या होता है, डायपोल। और क्वेश्चन आया कभी भी कि डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करो, कौन सा करना है, ये वाला करना है, ठीक है। डायपोल होता क्या है, जब हम दो इक्वल और अपोजिट चार्ज को, इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर के चार्ज को एक दूसरे के बहुत करीब रखते हैं, तब जो सिस्टम बनता है उस सिस्टम को हम क्या बोल देते हैं, डायपोल। और ये वही है कि दो चार्ज है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन नेचर क्या अलग अलग है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ठीक है। और जो फील्ड लाइन निकल के आएंगी वो कुछ इस तरह से निकल के आएंगी, क्लियर बात, ओके। अगर इतनी बात क्लियर आ गई, अब यहाँ पर एक दो चीज़ें और हम कमेंट कर सकते हैं, क्या कमेंट कर सकते हैं, देखो ये जो कर्व है, एक ऐसा कर्व है, एक कंटिन्यूअस कर्व है, यानी इसमें कहीं बीच में ब्रेक नहीं है, और यहाँ पर ब्रेक नहीं है, इसका मतलब क्या है कि बीच में कोई चार्ज नहीं है, यानी जहाँ पर चार्ज नहीं होता है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा कर्व बनाती है, एक कंटिन्यूअस कर्व बनाती है। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा, इन चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फॉर्म ए कंटिन्यूअस कर्व, कैसा कर्व बनाती है, कंटिन्यूअस कर्व बनाती है, कहाँ पर, चार्ज फ्री रीजन पर, ठीक है। लेकिन जैसे ही यहाँ दूसरा चार्ज आया, ये क्या हो गया यहाँ पर, कट टूट गया, देखो समाप्त हो गया यहाँ पर, फिर यहाँ से क्या हुआ, ऐसे बाहर बाहर क्यों निकला नहीं, फिर यहाँ से दूसरा आया, खट टूट गया, दूसरा आया, खट यहाँ पर टूट गया, लेकिन जब तक यहाँ बीच में कोई चार्ज नहीं था, ये कैसा था, एक कंटिन्यूअस था, ठीक है, कैसा कर्व था, ये कंटिन्यूअस कर्व था, क्लियर है बात, ओके। अगर एक बार क्लियर है तो यहाँ से एक और कमेंट कर सकते हैं हम, जरा गौर से देखो, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आई, यहाँ पहुँची, यहाँ से आई, यहाँ पहुँची, लेकिन ऐसी कोई भी फील्ड लाइन नहीं है जो नेगेटिव से निकल रही है और पॉजिटिव में जा रही है, क्योंकि नेगेटिव से निकल नहीं सकती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वही तो उसकी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो ये कैसे कर्व है, क्लोज है या ओपन है, क्लोज का मतलब क्या होता है, ये पहले यहाँ से यहाँ गई फिर वापस आ गई, तो ये कैसा पाथ है, एक क्लोज पाथ है, लेकिन ये क्या हो रहा है, सिर्फ आ रही है, सिर्फ आ रही है, वापस नहीं जा रही है, ठीक है। ये एरो एक ही डायरेक्शन में है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सिर्फ ऐसा है, यानी ये कैसे कर्व है, ओपन कर्व है, कंटिन्यूअस है और साथ ही साथ कहते हैं ओपन कर्व है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म ओपन कर्व, कैसा कर्व बनाते हैं, ओपन कर्व बनाते हैं, किधर बात। तो ये भी क्या हो गया, यहां से एक पॉइंट हो गया। अब एक काम करते हैं, जितना अभी तक हमने डिस्कस किया उन सबको चार पांच पॉइंट में लिख लेते हैं, और जो चार पांच पॉइंट में लिखाऊंगा वो क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आता है
प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहने का मतलब क्या है, वही चीजें आपको लिख देनी है जो मैं आपको लिखाने जा रहा हूं। तो हिंट डालो क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हेडिंग हो जाएगी प्रॉपर्टीज, क्या हो जाएगी पहली प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी तो वही हो जाएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट टू नेगेटिव चार्ज। या बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड टू नेगेटिव चार्ज। तो लिखो यहां पहली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड टू नेगेटिव चार्ज, एंड टू नेगेटिव चार्ज। और आप बेहतर दिखाने के लिए आप इसके नीचे ये डायग्राम भी बना सकते हो, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, दूसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो टेंजेंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। ये दूसरी प्रॉपर्टी होगी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। व्हाई, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी गेट टू टेंजेंट, टू टेंजेंट मीन्स एट दैट पॉइंट वी गेट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इम्पॉसिबल। तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सॉरी क्या लिखोगे, टू फील्ड लाइन्स या टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, या फिर सिंपल लोगो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट ईच अदर, ईच अदर बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी गेट टू डायरेक्शन ऑफ, टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इम्पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। ये कौन सी होगी, हमारी तीसरी प्रॉपर्टी होगी। चौथी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी बताओ, एक हमने क्लोजनेस के बारे में डिस्कस किया था और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी क्लोज होंगी उतना ज्यादा वहां पर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी। तो क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रिप्रेजेंट इंटेंसिटी ऑफ, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नाउ अब पांचवा पॉइंट थोड़ा सा अलग है, अभी तक हमने इसका डिस्कस नहीं किया है लेकिन मैं लिखाऊंगा समझ में आ जाएगा। पांचवा पॉइंट ये है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट रिलेटिव स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन तो यही आ रहा होगा कि भाई डेंसिटी का क्या मतलब हुआ, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का क्या मतलब हुआ, समझेंगे जरा, इसको मिटा रहा हूं मैं और समझते हैं कि भाई डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स से क्या मतलब हुआ। वैसे आप अगर डेंसिटी की बात, तो क्या होता है डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी की बात करता हूं
तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इन डालो क्या इसी के नीचे पॉइंट लिख देना, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स, नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पासिंग पर यूनिट, पासिंग पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन। ठीक है, तो अगर मैं क्या करूं, माना मेरे पास इस तरह से कोई एक यहां पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज से इस तरह से क्या हो रही है, फील्ड लाइन बाहर निकल रही है, यूं करके वी हैव हियर सम पॉजिटिव चार्ज एंड फील्ड लाइन इज पासिंग कमिंग आउट फ्रॉम दिस पॉजिटिव चार्ज इन दिस वे, इस तरह से क्या हो रही है, ये बाहर निकल रही है। अब इन फील्ड लाइन के रास्ते में अगर मैं यहां से क्या रख देता हूं, यहां पर एक मैंने इस तरह से एक एरिया रख दिया, ठीक है, यहां बोलते हैं एरिया क्रॉस सेक्शन बोल सकते हैं, समझ में आ रहा है, इस तरह से मैंने यहां पर एक कागज लगा दिया और ये जो कागज का जो एरिया है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन है, फील्ड लाइन ऐसे है तो कागज ऐसे है, फील्ड लाइन यूं है तो कागज ऐसे है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन। ठीक है, देन इसके पर यूनिट एरिया से जितनी फील्ड लाइन पास करेंगी उसी को हम क्या बोल देंगे, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन बोल देंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना समझो, आगे ये कॉन्सेप्ट और आएगा आपके दिमाग, जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे तब वहां पर ज्यादा डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल मान लिया ये एक पॉइंट पी है, इस पी पॉइंट पर इस एरिया से जो मैंने यहां पर ऐसे कागज लिया है इसे कितनी फील्ड लाइन पास कर रही है, दो फील्ड लाइन, एक दो, लेकिन जब मैं यहां से निकल के यहां जाता हूं बताओ इससे कितनी फील्ड लाइन पास कर रही है, एक फील्ड लाइन पास कर रही है एट दिस पॉइंट क्यू। तो यहां पर रिलेटिव डेंसिटी कहां ज्यादा है, यहां कम है यहां ज्यादा है, क्योंकि यहां इस एरिया से फील्ड लाइन ज्यादा पास कर रही है और यहां कम फील्ड लाइन पास कर रही है, तो यहां डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, यहां डेंसिटी कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी। तो हमेशा जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो किसके बारे में बताती है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताती है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई होप यहां से थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए, ओके, ये पांचों पॉइंट हो गया, अब इन डालो क्या पॉइंट नंबर सिक्स, छठा पॉइंट क्या हो जाएगा, एक हमने एक क्लोज और ओपन कर्व बारे में डिस्कस किया था लास्ट वाले, उसमें क्या था वो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स ओपन कर्व, कैसा कर्व बनाती हैं, ओपन कर्व बनाती हैं, तो लिखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म ओपन कर्व, ओपन कर्व। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओपन कर्व बनाती हैं, तो एक आंसर तो बड़ा सिंपल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम आउट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट टू नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज निकलती नहीं तो ऐसी पॉसिबिलिटी है ही नहीं, वो क्लोज बना ले, एक सिंपल सा आंसर हो गया जो क्लास ट्वेल्थ में चल जाएगा, ओके। लेकिन अगर थोड़ा सा और एडवांस आंसर देना चाहते हो तो यहां से एक बड़ा अच्छी सी चीज बोल सकते हो आप, कि ये बोल सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड होता है, आपने क्लास ट्वेल्थ में पढ़ा, इलेवंथ में पढ़ा होगा कि कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड फोर्स फील्ड, या कंजर्वेटिव फील्ड एंड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है, जो पाथ पर डिपेंड करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव, और जो पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड, कैसा फील्ड है ये, कंजर्वेटिव फील्ड है। अगर ये कंजर्वेटिव फील्ड है तो एक मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ऑल द कंजर्वेटिव फील्ड आर कर्लेस, कैसी होती है ये, कर्लेस होती हैं, यानी ऑल द कंजर्वेटिव फील्ड आर कर्लेस, यानी इनका कर्ल निकालूंगा मैं, इसको मैथ में कर्ल बोलते हैं, ठीक है, डेल क्रॉस ई ये कितना होता है, जीरो होता है, कर्लेस का मतलब इनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा, जीरो होगा, डेल और ई का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा, तो मैं क्या बोलूंगा इसको, कर्ल लेस बोलूंगा, क्या बोलूंगा, कर्ल लेस, कर्ल लेस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कर्ल लेस होता है,
और मैथ्स कहती है कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, जैसे ई एक फंक्शन है और वो कर्ल लेस है, देन दिस ई कैन बी रिटन एज ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फील्ड। ये आएगा हमारे वहाँ, लेकिन हमारे वहाँ इसको पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। ये थोड़ा सा क्या हो गया, हायर लेवल हो गया। और यहाँ से हम आंसर दे सकते हैं, इफ़ दिस इज कर्ल लेस, कर्ल का मतलब क्या होता है, घूमना, ठीक है, और कर्ल लेस है तो घूम ही नहीं रहा है। घूम नहीं रहा है तो क्लोज कर्व कैसे बनाएगा, क्लोज कर्व क्या बनाएगा, जिसका कर्ल क्या होगा, नॉन जीरो होगा। क्लोज का मतलब ऐसे, मतलब कर्ल का मतलब ऐसे गोल घूम जाना, और कोई चीज़ गोल घूम रही है, एक चक्कर पूरा कर रही है, तो उसका कर्ल नॉन जीरो होता है। लेकिन कर्ल जीरो है, इसका मतलब ये एक पूरा चक्कर नहीं घूम रहा है। अगर पूरा चक्कर नहीं घूम रहा है तो वो क्लोज लूप भी नहीं बनाएगा। कैसा लूप बनाएगा, ओपन लूप। कैसा कर्व बनाएगा, ओपन कर्व। और कर्व कैसे होंगे, ये कंटिन्यूस होंगे, ये भी डिस्कस किया था हमने। और कंटिन्यूस कहाँ होंगे, जहाँ पर हमारे पास चार्ज नहीं होगा, ठीक है, ओके। ये आप लिख सकते हो, ये थोड़ा सा क्या है आपके लिए, मतलब सप्लीमेंट्री हो गया है। नहीं तो जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव निकलती है और नेगेटिव में जाती है, तो ये तो ऑप्शन नहीं है हमारे पास कि वापस आ जाए वहाँ से, तो कभी भी वो क्लोज बनाएंगे नहीं। एक सिंपल सा एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन हो गया, लेकिन मैथमेटिकली आप अगर डीप में समझाना चाहते हो तो ऐसे समझा सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज कर्लेस, कर्लेस है तो क्लोज कर्व नहीं बनाएंगे, ठीक है, ओके। ये बात समझ में आ गई आपको ना। अब एक आध इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं। एक टर्म आता है यहाँ पर क्या, यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सिंप्लिसिटी के लिए हम एक ऐसा फील्ड अज्यूम करते हैं जिसको हम यूनिफॉर्म बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म का मतलब ही क्या होता है, समान, एक समान। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या यूनिफॉर्म बनाया था यहाँ पर, नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि यहाँ पर इनकी क्लोजनेस क्या है, ज़्यादा है, यहाँ क्लोजनेस कम है, यानी यहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ इंटेंसिटी कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं यूनिफॉर्म की बात कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच की क्लोजनेस हर जगह क्या होगी, सेम होगी। तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे निकल के आएंगी, ऐसे, यानी एट एवरी पॉइंट द क्लोजनेस बिटवीन द लाइन्स विल बी सेम। तो दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज, या बोलते हैं दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जब भी मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा तो फील्ड लाइन के बीच का सेपरेशन क्या होगा, सेम होगा हर पॉइंट पर। क्लियर बात, तभी तो क्या हुआ, वो क्लोज हुआ ना, सॉरी, तभी तो क्या हुआ, यूनिफॉर्म हुआ, यानी जहां पर क्लोजनेस होगी वो सब जो क्या होगी, सेम होगी, ठीक। क्लियर बात, ओके। अगर ये बात समझ में आ गई तो कुछ और बचा है इसमें, बस इतना ही है फिर, ठीक। तो कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से कि अगर मेरे पास इस तरह से एक इनफाइनेटली लॉन्ग चार्ज वायर हो, ठीक, इस तरह से, इसमें मैंने पॉजिटिव चार्ज डाल दिया, तो बताओ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होंगी, तो कैसे होंगी, ऐसे बाहर निकलेंगे, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, बाहर निकलना है, और ऐसे थ्री डायमेंशन में यूं करके बाहर निकलेंगे, यूं करके, ये तो टू डायमेंशन में दिख रहा है, ऐसे बाहर की ओर भी, यहाँ की ओर ऐसे भी आएंगे, यूं करके आपकी ओर भी आएंगे, ठीक। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ ए इनफाइनेटली लॉन्ग वायर। कभी कभी पूछ लेता है कि मेरे पास एक प्लेन शीट है यूं करके, और इसमें मैंने ऐसे पॉजिटिव चार्ज डाल दिया यूं करके, बताओ इसकी फील्ड लाइन कैसे होंगी, तो इसकी भी कैसे होंगी, ऐसी, ठीक है, ऐसे बाहर निकलेंगे, और ऐसे यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, और ये भी कैसा है, इनफाइनेटली स्प्रेड है, कैसा है, इनफाइनेटली स्प्रेड प्लेन सीट है, ठीक है। फील्ड लाइन कैसे होंगे, ऐसे बाहर निकलेंगे, यानी ये भी कैसा होगा, यूनिफॉर्म टाइप से दिखेगा, ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होती है। एक लंबा चौड़ा इसमें डिस्कशन हो गया, जनरली इतना लंबा डिस्कशन कोई टीचर नहीं कराता आपको, सब लोग सस्ते में निपटा देते हैं, लेकिन मैंने चाहा, चाहे कुछ हो जाए, जितना आता है उतना बोल देना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या था, आज का लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ, तब ले थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।